स्वामी जी, अभी कोर्ट में सुनने में आया था कि आपने किसी मुद्दे पर, आपके ऊपर कुछ जुर्माना हुआ था, जैन साहब के ऊपर भी जुर्माना हुआ था, आप उस पर कुछ बोलना चाहेंगे आप? डेफिनेटली देखिए, आज भी हमने पिटीशन फाइल किया, आज भी हम सुप्रीम कोर्ट में ही गए हुए थे। दरअसल क्या है कि अंडर आर्टिकल 124 ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुसार किसी भी चीफ जस्टिस को, फोर्थ कमिंग भावी चीफ जस्टिस को रिकमेंड करने का या उनका नाम अपना उत्तराधिकारी के रूप में सजेस्ट करने का अधिकार नहीं है। यही बात हमने अपने पिटीशन में लिख करके दिया था। चीफ जस्टिस थे उस वक्त जस्टिस खेहर, जगदीश खेहर। तो आप ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट में 3:30 बजे पिटीशन लेना बंद कर देते, काउंटर बंद हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे इन्होंने 8 बजे बुलाया और चीफ जस्टिस खेहर उस वक्त वहां के चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, और उनके सेक्रेटरी जनरल थे मेथानी और दूसरे लिस्टिंग रजिस्ट्रार, ये सारे के सारे रात को मुझे 8 बजे अपने फाइलिंग काउंटर पे बुलाया और मेरे से और जैन साहब से इंग्लिश में कुछ लिखवाए कि इसको लिस्ट किया जाए, और फिर वो सेम डे उन्होंने लिस्ट कर दिया। सुबह 10 बजे लिस्टिंग में आ गया, और लिस्टिंग के बाद जब मेरा आर्गुमेंट शुरू हुआ तो हमने उनसे ये कहा, जस्टिस चीफ जस्टिस खेहर को, कि भाई मुझे आपके खिलाफ कोई शिकायत नहीं, मुझे दीपक मिश्रा के खिलाफ कोई शिकायत नहीं, मैंने तो सिर्फ कानून का पालन करने का पिटीशन आपको दिया है कि आपको ये अधिकार नहीं है कि आप अपने उत्तराधिकारी घोषित करें। ये आर्टिकल, ये मैंने कहता हूं, कानून का, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 124 ए कहता है। तो मुझे भड़काने लग गए ये दीपक मिश्रा के खिलाफ कि आप उनके खिलाफ और बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं उनके खिलाफ, ये आरोप आप लगाना चाहते हैं तो लगाइए, वो आरोप लगाना चाहते हैं तो लगाइए। हमने कहा कि हमारा न तो दीपक मिश्रा के खिलाफ कोई आरोप है, न आपके खिलाफ आरोप है। वो फैसला मेरे खिलाफ और जैन साहब के खिलाफ लिख करके लाए हुए थे, टाइप करके, और उनकी तैयारी ये थी कि उसी वक्त हाथों हाथ हम दोनों को जेल ये भेजना चाहते थे 6 महीने के लिए। लेकिन जब हमने कोई आरोप इन दोनों जजों के खिलाफ नहीं लगाया तो वो लाइन उन्होंने हमारे सामने ही काटा और मुझे ये कहा कि मैं आप दोनों को 10-10 लाख का जुर्माना करता हूं। तो मैंने उसी वक्त उनको ये कहा था कि अब तक तो बचपन से मैं सुनता आ रहा था कि दोपहर में 12 बजे कोई कोई सरदार पागल हो जाते हैं, और आपके सिर के ऊपर में जो घड़ी लगा हुआ है वो घड़ी ये अभी बता रहा है, टन की आवाज आई है, बता रहा है कि 12 बज रहा है और आप पूरी तरह से पागल हो रहे हैं। हम कानून का पालन करने के लिए आपको कह रहे हैं और आप कानून के खिलाफ, संविधान के खिलाफ हमारे ऊपर में 10-10 लाख का जुर्माना कर रहे हैं, ये सरासर अन्याय है। और ये 10 लाख का जुर्माना मैं आपको दूंगा नहीं, बल्कि आपके घर में घुस करके मैं 10-10 लाख 20 लाख जूते में मारूंगा, आपकी जो इच्छा हो वो आप कर लेना। तब से लेकर के अब तक कई बार हम इस मामले में पिटीशन हम दे चुके हैं कि भाई इस पे फैसला करो। तो ये लोग क्या करते हैं कि न तो अधिकारी मिलता है, न तो रजिस्ट्रार मिलता है, कोई मिलता नहीं है, और बाद में उसमें एक लेटर भेज देते हैं कि जी आपने लिस्टिंग परफॉर्मा पे साइन नहीं किया, जबकि लिस्टिंग परफॉर्मा पे साइन करके एक बार नहीं, 3-3 बार मैंने दे रखा है, और उस ग्राउंड पर उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह से वो लोग अन्याय करते हैं किसी पब्लिक से, ना तो अधिकारी तो मिलते ही नहीं है, न ही रजिस्ट्रार जनरल मिलता है, ना चीफ जस्टिस के कोई और आदमी मिलते हैं। तो इस तरह से पब्लिक के साथ में ये लोग अन्याय कर रहे हैं। मैंने इनको उस दिन भी यही कहा था कि आप लोग रात को 2 बजे आतंकवादियों को रिहा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट खोल देते हैं, राम के लिए आपके पास में 5 मिनट का समय नहीं होता, आम जनता के लिए आपके पास में 5 मिनट का समय नहीं होता, आप लोग प्रधानमंत्री को की हत्या के लिए जो साजिश रची गई उसमें 3:30 बजे फाइलिंग काउंटर बंद होता है, 4 बजे उन आतंकवादियों ने पिटीशन फाइल किया, वो भी थर्ड पर्सन ने जो उसमें मुलजिम भी नहीं था, और आपने आधे घंटे में ही लिस्टिंग भी कर लिया, सब कर लिया और हियरिंग भी कर लिया, और 4:30 बजे आपने उसके गिरफ्तारी पे आपने रोक लगा दी। तो ये सारा काम अन्यायपूर्ण काम है। मैंने उनको कहा कि आपने जी साईनाथ जैसे आतंकवादी को जो आज आजीवन का सजा भुगत रहा है जेल में, उसको भी आपने जमानत दिया था। इस तरह से ये लोग सीआईए के एजेंट बन करके ये आतंकवादियों को साथ देते हैं, हम जैसे निर्दोष व्यक्तियों को ये परेशान करते हैं, उनको सजा देते हैं।